एक जगह पे मैं आया था तो मैं देख रहा था कि ये झुकियाँ जो हैं कैसे ये अपना रिस्क ले रही हैं और कैसे इनको पत्थर के अंदर और सुराख के अंदर अल्लाह ताला रिस्क पहुँचा रहा है। खातिन हज़रात, ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त मिसाल है कि गैबी ताकत ज़रूर है, गैबी मददगार ज़रूर है जो अपनी मखलूक को अकेला नहीं छोड़ता, अपनी मखलूक को किसी ना किसी तरह से रिस्क पहुँचाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इंसान हैं, हमें अल्लाह ने हाथ दिया, जहन दिया, शऊर दिया और हम परेशान हाल रहते हैं कि हमारे पास अपनी मुलाजमत नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं, हमारे पास तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल छोड़ दें कि ज़िंदगी से परेशान नहीं हो, परेशान होना भूल जाएं और कोशिश करें आगे की तरफ रवा दवा हो और अपना कोई हुनर सीखें और काम को करने की कोशिश करें और काम को और बढ़ाने की कोशिश करें और काम को और बेहतर करने की कोशिश करें और नए से नए हालात को फेस करने की कोशिश करें और अच्छा सोचें और बड़ा सोचें। जब बड़ा सोचेंगे तो आप आपसे कुछ कम तक पहुँचेंगे और बड़ा सोचने से आपको एक अच्छी मंजिल मिलेगी, आपको एक सोच मिलेगी, आपको कोशिश करने के रास्ते मौके मिलेंगे। फिर स्टेप लें और आस्ते आस्ते आगे आगे बढ़ते चले जाएँ और जब अगर आप एक अच्छा एम लेकर आगे चलेंगे तो यकीन अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और अल्लाह ताला जब मदद करते हैं तो फिर चीज़ें बहुत सारी आसान हो जाती हैं। मकसद ये होता है कि आप एक अच्छी सोच लेकर चलें, अच्छी नीयत लेकर चलें, ईमानदारी के रास्ते पर चलें और अल्लाह ताला को साथ लेकर चलें तो यकीन आप एक अच्छे मकाम तक पहुँच सकते हैं। तो खातिन हज़रात, उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग मायूस हो जाते हैं, जो लोग ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं, जो लोग अपनी तकलीफों की वजह से उलझ जाते हैं, तो उनमें उनके लिए बिल्कुल भी उलझना नहीं है, बिल्कुल अपने रिलैक्स होने और अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना है और अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और अगर किसी के पास हुनर नहीं है तो उसको हुनर सीखने की कोशिश करनी है, किसी तरह से अपने आप को अपग्रेड करें ताकि आप उसको इस्तेमाल करके और अपने रोज़ी कमा सकें और अपने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को सपोर्ट कर सकें और अपने करीब के लोगों को भी आप मशवरा दें अगर लोग और हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्प करें। अगर किसी को आपको कुछ कोई काम आता है तो आप दूसरे को सिखाएं और अगर किसी के पास कोई किसी को कोई काम आता है, किसी को कोई हुनर किसी के पास है, आप उससे रिक्वेस्ट करें, उससे हुनर सीखें। सीखने सिखाने का जो काम है इसमें बड़ी बरकत वाला मामला है, इसको आप लोग बिल्कुल छोटा नहीं समझें और अपने हुनर को और आगे बढ़ाएँ और आप यकीन करें कि इसमें अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला आपके लिए और रास्ते खुलेगा। और फातिमा मसरात, मैं आप लोगों से कहता हूँ और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मेहनत करके तालीम हासिल करें और अपने ये वीडियोस में, वीडियो गेम में और इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल अपने वक्त ज़ाया नहीं करें और अपनी डिग्रीज, अपने क्वालिफिकेशन आगे से आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे अंदाज में उसको हासिल करें और फिर टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें जो कि आपके लिए अपनी ज़िंदगी में आपको बहुत काम आएगी। और ये मोबाइल, ये वीडियो गेम, ये जो चीज़ें हैं, ये आपके सिवाय आपके जहन को ज़ाया करने के, सिवाय आपके जहन को ख़त्म करने के, आपके जहन को बुन करने के इसका कोई फ़ायदा नहीं है और अपने टाइम वेस्ट करने के अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आज आप एक स्टेप पे तो दूसरे स्टेप पे चढ़ने की कोशिश करें, दूसरे स्टेप पे तो तीसरे स्टेप पे चढ़ने की कोशिश करें, इसी तरह से एक मंजिल पर टॉप मंजिल टॉप पर आप पहुँच जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिफीट नहीं कर सकेगा। हमेशा तफक्कुर और गुरूर से बचें, हमेशा आज से इनके सारे अच्छे अखलाक से लोगों के साथ पेश आएँ और किसी को हकीर ना समझें लोगों को और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें लेकिन किसी को हकीर ना समझें। हमेशा याद रखें कि दूसरों को इज्जत दें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी इज्जत देगा। आज के लिए मेरी वीडियो इतनी का है, अल्लाह बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय बाय।